Hello guys, welcome to the course of operating system series of lectures. Today our topic of discussion is differentiation between the thread and process or thread versus process. मतलब क्या कि thread और process के बीच में कितने differences है, क्या क्या differences है, कैसे कैसे differences है, ये सारे चीजें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे. और last slide में हम देखने की कोशिश करेंगे कि thread और process के बीच में similarities क्या है. So let's start कि इसके पहले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि process और threads के बारे में सारी जानकारी कही थी कि thread क्या है, कैसे कैसे है, उसके मल्टी थ्रेडेड चैनलिंग सिंगल थ्रेड एनवायरनमेंट के बारे में जाना था. और टॉक्स अबाउट लेट्स से थ्रेड वर्सेस प्रोसेस. यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस में पैरामीटर किए, पैरामीटर्स कंसीडर किए. तो पहले इसमें पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल है, दूसरे इसमें प्रोसेस का कॉलम है, और तीसरा हमारे पास है थ्रेड का कॉलम. ओके, सो पहली सबसे पहले है कि मेरी डेफिनेशन है प्रोसेस को क्या बोलते हैं. प्रोसेस इज अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. हमने इसके वीडियो भी देखे हैं कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है सीपीयू के ऊपर तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोसेस. वैसे थ्रेड को अगर कहा जाएगा, थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस. मतलब एक प्रोसेस के अंदर का एक आधा मल्टीपल पाथ में से एक पाथ, एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट द थ्रेड. ये पहली डेफिनेशन डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू. तो अगर बात करते हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, तो प्रोसेस इज हेवी वेट और रिसोर्स इंसेंटिव इंटेंसिव. मतलब क्या कि उसको प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और उसी बदौलत उसको क्या कहा गया है, हेवी वेट टास्क कहा गया है. क्योंकि उसमें कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, रजिस्टर सेक्शन और हीप सेक्शन, ये सारे सेक्शन सेपरेटली होंगे क्योंकि प्रोसेस इंडिपेंडेंट है. बोर वेर एज हम थ्रेड की बात करेंगे, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस टेकिंग लेसर रिसोर्सेज देन द प्रोसेस. थ्रेड को ये लाइट वेट प्रोसेस किया गया है, कहा गया है, क्योंकि थ्रेड हिस्सा है प्रोसेस का. एक मेन प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स बने हैं, इसीलिए वो लाइट वेट प्रोसेस है. एंटिटीज की बात करते हैं, तो प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट शेड्यूलिंग एंटिटी इन द मल्टी प्रोसेसिंग. द मल्टी प्रोसेसिंग में अगर स्मॉलेस्ट एंटिटी कोई है तो वो है प्रोसेस. बट इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से मल्टी थ्रेडिंग में हमारे पास स्मॉलेस्ट एंटिटी जो है वो क्या है, थ्रेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. मल्टी थ्रेडिंग में थ्रेड्स रिस्पेक्टिव रन होंगे और मल्टी प्रोसेसिंग में प्रोसेसेस मल्टीपल रन. इसका अगर यूज देखते हैं गाइस, तो इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट लार्ज हेवी वेट जॉब्स सच एज रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशन. बड़े बड़े टास्क को रन करने के लिए हमारे पास एक जो है वो उसको प्रोसेस कहला गया है. तो यूज एग्जीक्यूट लार्ज हेवी वेट जॉब्स. वेर एज अ थ्रेड इट इज यूज्ड टू कैरी आउट द स्मॉलर टास्क लाइक और लाइट वेट जॉब्स लाइक ऑटो सेविंग डॉक्यूमेंट्स इन प्रोग्राम. जैसे हमने कहा था कि अगर एक कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर हिडन जो कुछ काम चल रहे हैं वो हिडन मैक्सिमम टास्क कहीं ना कहीं थ्रेड के थ्रू चल रहे हैं. लोडिंग द कंटेंट, सेविंग द ग्रामर, चेकिंग द ग्रामर, ऑटो सेविंग, ये जो टास्क कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थ्रेड के थ्रू चल रहे हैं. एड्रेस स्पेस की अगर बात करते हैं, तो एड्रेस स्पेस क्या होती है कि कहीं ना कहीं उसका एक इलाका होता है, यहाँ से स्टार्ट और वहां पे बंद कहीं ना कहीं. तो ईच प्रोसेस रन्स इन द सेपरेट एड्रेस स्पेस इन द सीपीयू. मतलब बेस और लिमिट की बात करेंगे तो मान के चलो कि प्रोसेस जीरो है. प्रोसेस जीरो एक 100 लोकेशन से लेकर 1000 लोकेशन तक वो है. मतलब क्या कि उसके लिए वो एड्रेस स्पेस है, उसमें सारे के सारे कंटेंट उसी एड्रेस स्पेस में अवेलेबल है. तो उसमें कहीं ना कहीं ईच प्रोसेस रन इन अ सेपरेट एड्रेस स्पेस क्योंकि वो सेपरेट सेपरेट प्रोसेसेस है. लेकिन थ्रेड में शेयर द एड्रेस स्पेस विद अदर थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस. बल्कि मतलब क्या कि एक ही प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स बने हैं, तो जो प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है वो ही एड्रेस स्पेस शेयर की गई है थ्रेड ने. क्योंकि कोड और डेटा सेक्शन कहीं ना कहीं वो सेम है, बाकी उसके स्टैक और रजिस्टर की वैल्यू अलग है. तो एड्रेस स्पेस उसने कॉमन शेयर किए क्योंकि वो उसी का सब पार्ट है. ओके, अगर वो चाइल्ड प्रोसेस होती है तो उसके बाद अलग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस इज समहाउ डिफिकल्ट और स्लोअर एज कम्पेयर टू थ्रेड. यहाँ पर मतलब क्या कि रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को भी टाइम ज्यादा लगेगा. वेयरएज इन टर्म्स ऑफ द थ्रेड, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड इज सिंपलर एंड फास्टर एज कम्पेयर टू द प्रोसेस. क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऑप्शन है. थ्रेड में क्या हो रहा है, डेटा सेक्शन कोड सेक्शन कॉमन है, उसका सिर्फ स्टैक और कहीं ना कहीं उसके रजिस्टर की वैल्यू को हमें स्विच करने पड़ रहा है. तो यहाँ पर रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट कम है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होगी. क्योंकि लोडिंग सेविंग ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम लगने वाला. व्हाट शेयर्ड, यहाँ पर शेयर्ड क्या है, द प्रोसेस हैज सेपरेट डेटा कोड सेक्शन फाइल सेक्शन स्टैक सेक्शन रजिस्टर सेक्शन, ये सारे सेपरेट सेपरेट है. बट वेयर एज थ्रेड शेयर द डेटा कोड एंड फाइल्स ऑफ द प्रोसेस बट रजिस्टर एंड स्टैक वैल्यूज मे डिफरेंट. यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट है. ये भी चीजें हम यहाँ पर देखें, तो ये भी चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंस करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंसेस गाइस, देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्लाइड. यहाँ पे भी यूटिलिटीज अगर बात करते हैं, तो प्रोसेस में सिस्टम कॉल्ड इन्वॉल्व इन प्रोसेस. मतलब प्रोसेस क्रिएशन हो गए,
टर्मिनेशन हो गई, एग्जिट हो गई, ये सारे जैसे फॉर्क सिस्टम कॉल हम यहाँ पे प्रोसेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, वैसे थ्रेड में अगर बोलते हैं तो थ्रेड देर इज देर आर नो सिस्टम कॉल्ड इन यूजर लेवल थ्रेड्स, ओनली द लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड। मतलब लैंग्वेज के थ्रू हम थ्रेड बनाते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, थ्री यहाँ पे देयर चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज का यूज करके हम थ्रेड बनाते हैं, तो लैंग्वेज के लाइब्रेरीज को यूज कर, जैसे टी थ्रेड हो गया, पी थ्रेड हो गया, पोसिक्स थ्रेड हो गई, ये सारे जो थ्रेड्स की लाइब्रेरीज हम यूज करके थ्रेड को बनाते हैं। यहाँ पे सिस्टम कॉल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लाइब्रेरीज का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब क्या है कि लैंग्वेज के फंक्शन हम यूज करके उसके थ्रेड्स बना रहे हैं, प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल एज अ पैरामीटर, द प्रोसेस ओनली सेव द कंट्रोल ओवर चाइल्ड प्रोसेस, प्रोसेस ओनली हैव द कंट्रोल ओवर द चाइल्ड प्रोसेस, वेयर एज अ थ्रेड हैज अ ग्रेट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस। ये भी एक डिफरेंस है। चेंज इफेक्ट, यहाँ अगर इसको पैरामीटर को हम देखेंगे तो चेंजेस मेड टू द पैरेंट प्रोसेस डू नॉट अफेक्ट द अदर चाइल्ड, डू नॉट अफेक्ट द चाइल्ड प्रोसेस। तो ये चाइल्ड प्रोसेस में अगर चेंजेस हुए हैं पैरेंट प्रोसेस में, ये अफेक्ट नहीं करता चाइल्ड प्रोसेस के ऊपर। एनी चेंजेस मेड इन द मेन मेमोरी मेन थ्रेड मे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस। ये अगर डिपेंड है, मेन थ्रेड में कुछ चेंजेस हुए तो भी अफेक्ट होता है, अदरवाइज कैसा होता है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस के रिलेटेड इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती तो उसमें कोई अफेक्ट नहीं होता है, अगर डिपेंडेंट प्रोसेस है तो उसमें अफेक्ट होता है, इस बात करते हैं। लेकिन जनरली थ्रेड इंडिपेंडेंटली इंटरडिपेंडेंटली वो वर्क करते हैं। यहाँ पे मेन थ्रेड में कुछ हुआ तो मे बी पॉसिबिलिटीज है। ओके, आईपीसी, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड आईपीसी, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने की अगर बात आती है तो आईपीसी रिक्वायरमेंट है, वेर एज थ्रेड इंडिपेंडेंट है तो उसमें आईपीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रन होने वाले। स्विचिंग रिक्वायरमेंट, प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन मैक्सिमम टाइम लगेगा प्रोसेस स्विचिंग के बारे में। Whereas in terms of this thread switching does not need to interact with the operating system, यहाँ पे operating system के साथ interaction नहीं, क्योंकि जो thread बनाए हैं वो user space में बनाए हैं, operating system को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं switching में operating system का consult होना जरूरी नहीं, क्योंकि हम libraries का use करके यहाँ पे thread बनाए हैं। Blocking, this point is very important guys, if one process is blocked then other process execution will not block in the independent process subtypes of the process, but in a dependent it block. अगर प्रोसेस इंडिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस दूसरी प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगी, लेकिन डिपेंडेंट है तो वो प्रोसेस ब्लॉक हो सकती है। व्हेयरएज इन अ थ्रेड, व्हाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक एंड वेटिंग, द सेकंड थ्रेड इज द सेम टास्क कैन रन, बट इन इंटर रिलेटेड थ्रेड इट विल ब्लॉक एंटायर प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक एंड वेटिंग, एक थ्रेड अगर ब्लॉक हुआ और वेटिंग कर रहा है, द सेकंड थ्रेड इन द सेम टास्क कैन रन, उसी का एक हिस्सा जो है वो रन कर सकता है, बट इन द interrelated thread it will block entire process. This point is very important guys. Then dependency, multiple processes, each process operate independently on the others. Independency, the multiple processes, each process operate independently of the others, whereas these threads interdependent, it is a interdependent on each other. Okay, so it yahan pe independent hai, yahan pe interdependent hum bol payenge. Types kya hai, पेरेंट्स और चाइल्ड प्रोसेस इसको कहला जाए, हम एक प्रोसेस के अगर सब प्रोसेस बनती है तो उसको पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है। फोर के थ्रू तीन वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे हमने देखा था लेक्चर्स में। और यहाँ पर अगर थ्रेड की बात करते हैं तो यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड, दो टाइप्स के यहाँ पर थ्रेड्स अवेलेबल है। ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफरेंस अवेलेबल है गाइस। आई होप कि ये भी डिफरेंस आपको क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में यहाँ पर दिखाया है, उसमें कुछ सिमिलरिटीज है, क्विकली हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है उनके दोनों के बीच में। प्रोसेस हैज अ पीआईडी, प्रोसेस को पीआईडी होता है, लाइकवाइज थ्रेड आल्सो हैव अ थ्रेड आईडी, थ्रेड को भी एक आईडी होता है जो कि आइडेंटिफाइड होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है सिस्टम लेवल पे। प्रोसेस क्रिएट सब प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस, द सेम वाइज द थ्रेड कैन क्रिएट अ सब थ्रेड, तो थ्रेड भी कहीं ना कहीं सब थ्रेड क्रिएट कर सकता है। द प्रायोरिटी कैन बी गिवन टू द प्रोसेस, लाइकवाइज द थ्रेड आल्सो कैन हैव अ प्रायोरिटी। मतलब हम बोलते हैं ना, प्रायोरिटी की प्रोसेस आई है तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रीएम्प्ट करके और दूसरों को पॉज करना पड़ता है, वैसे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं क्योंकि वो यूजर के हाथ में है। एट द सेम टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन रन, लाइकवाइज थ्रेड आल्सो कैन रन एट अ टाइम ओनली वन। मतलब ये इल्यूजन है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट हो रही है कि मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल प्रोसेस रन होने ऐसा दिखाया गया है, लेकिन एट अ टाइम ओनली वन ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, वन थ्रेड ही वैसे कहीं एग्जीक्यूट होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस हैज अ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, लाइकवाइज द थ्रेड आल्सो हैव अ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यहाँ पे उसका भी एग्जीक्यूशन सिक्वेंसली होगा। और प्रोसेस हैज इंडिपेंडेंसी, लाइकवाइज द थ्रेड आल्सो हैज अ डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, समटाइम इट इज इंटरडिपेंडेंट, इज वन इफ वन ब्लॉक इज वन ब्लॉक अदर कैन कंटिन्यू, ओके इज वन ब्लॉक देन अदर कैन कंटिन्यू। तो ये कहीं ना कहीं कुछ सिमिलरिटीज है थ्रेड और प्रोसेस के बीच में,
और यहाँ पे ये जो लेक्चर था यहाँ पे मोर फोकस हमने किया था डिफरेंसेस बिटवीन द थ्रेड एंड प्रोसेस गाइस। तो हमने कहा पर कहीं ना कहीं 10-15 कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हमने यहाँ पर देखे हैं। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस भी समझे होंगे। तो इसके बाद के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के बारे में जाएंगे, उसके बाद मॉडल्स की डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि थ्रेड क्या है, उसके मॉडल्स क्या है, उसके सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत ही क्लियर हमने करवा